हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय जीके स्टडी। और इस वीडियो में मैं दोबारा से 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जीके के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट ऑलरेडी ऑकर इन द एग्जामिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। सो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ उसको मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें और पूरी वीडियो देखें। और साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, वर्ष 1881 में भारत में शुरू की गई पहली पहाड़ी यात्री रेल कौन सी थी, जिसके चार ऑप्शन हैं, कालका शिमला रेलवे, मथेरान हिल रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और चौथा ऑप्शन है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। तो इसका राइट आंसर रहेगा आंसर फोर, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। पहाड़ों पर भारत का प्रथम यात्री रेल गाड़ी सन 1881 में खोला गया, जिसका नाम दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पड़ा। ये छोटी लाइन रेलगाड़ी पश्चिम बंगाल के दो जिलों जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी को दार्जिलिंग से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर टू है, CO किसका प्रतीक है, कार्बन, कार्बन मोनोक्साइड, कोयला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टू, कार्बन मोनोक्साइड। एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है जो वायु से थोड़ी कम सघन है। ये मनुष्य के लिए जहरीली है। कार्बन युक्त यौगिक के आंशिक ऑक्सीकरण से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादित होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, किस देवता के साथ रासलीला नृत्य जुड़ा हुआ है। इसके चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भगवान शिव, दूसरा ऑप्शन है श्री गणेश, तीसरा भगवान इंद्र, चौथा श्री कृष्ण। तो इसका राइट आंसर रहेगा श्री कृष्ण। रासलीला श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित उत्तर भारत का मुख्यतः उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसे प्राय मुक्त प्रेम का नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक ब्रज की रासलीला से विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय ऑनलाइन रिटेल कंपनी है। इसके चार ऑप्शन है, अलीबाबा ग्रुप, अमेजोन, ईबे, जबांग। तो इसका राइट आंसर है जबांग। जबांग भारतीय फैशन एवं जीवन शैली पर आधारित एक ई कॉमर्स पोर्टल है। ये परिधान, जूते, फैशन प्रसाधन, सौंदर्य उत्पाद, सुगंध, घरेलू सामान एवं अन्य फैशन तथा जीवन शैली उत्पादों को बेचती है। कंपनी का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गुड़गांव में है। अगला क्वेश्चन है, मिठाई के निर्माण में शीतकालीन तरबूज या तुम्बा को चीनी की चाशनी में तर बतर किया जाता है। इसके चार ऑप्शन है, जलेबी, पेठा, गुलाब जामुन, मुरब्बा। इसका राइट आंसर है पेठा। पेठा सिसकोड़ा या भुआ, ये सफ़ेद कद्दू के तौर पर भी जाना जाता है, का बना होता है। ये उत्तर भारत और पाकिस्तान, पंजाब क्षेत्र एवं महानगर का एक लोकप्रिय पारभासी मिठाई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिकार अम्लों का अनिवार्य घटक है। इसके चार ऑप्शन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। स्वीडिश रसायन शास्त्री स्वांते अरहेनियस ने 1884 में प्रोटानों या हाइड्रोजन आयनों H+ के अम्लीय गुणधर्मों का पता लगाया। अरहेनियस के आयनिक सिद्धांतों के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर आयत देता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। चार ऑप्शन है, आयोडीन, जिंक, वसा, कैल्शियम। इसका सही आंसर है कैल्शियम। शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लगभग शरीर का सारा कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों से संचित रहता है, जहाँ ये उनकी कठोरता एवं संरचना में सहायक होते हैं। शरीर की मांसपेशियों के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ताकि वे गतिमान रहे एवं शरीर के विभिन्न अंगों से संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए भी स्नायु को कैल्शियम की आवश्यकता होती है।
और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, ज्योतिष विज्ञान में कितने भिन्न भिन्न प्रकार के राशि चिन्ह होते हैं? इसका राइट आंसर है, वैसे पहले ऑप्शन बताता हूँ, 12, 16, 14, 11, तो सभी को पता है 12 होते हैं। 12 राशि चिन्ह हैं मेष, वृक्षभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृक्षक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन। ये सभी चिन्ह कांति वृत्त के 30 खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये चिन्ह महा विषु या वसंत विषु से आरंभ होते हैं। इसे मेष राशि का प्रथम बिंदु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? चार ऑप्शन है, कैलाश सत्यार्थी, बराक ओबामा, कैलाश सत्यार्थी एवं तवल्लुक कारमैन, कैलाश सत्यार्थी एवं मलाला यूसुफ जाय। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा कैलाश सत्यार्थी एवं मलाला यूसुफ रजाई। वर्ष 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार भारत के कैलाश सत्यार्थी एवं पाकिस्तान के मलाला यूसुफ जाई के बीच साझा किया गया। उन्हें बच्चों की शिक्षा के अधिकार एवं बच्चों के दमन विरोधी संघर्षों के लिए सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा किस स्वतंत्रता सेनानी का आत्मचरित है जिसे उन्होंने पटना के बाकीपुर जेल में अपनी कैद के दौरान लिखा था? चार ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, लाल बहादुर शास्त्री, चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ये बाकीपुर जेल में उनके 30 वर्ष के कारावास के दौरान लिखी गई उनकी आत्मकथा है। वे गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व था टेक्नीटियम, फ्रेंचियम, आइंस्टाइनियम, प्रोमिथियम, जिसका राइट आंसर रहेगा 1 टेक्नीटियम। टेक्नीटियम प्रथम कृत्रिम उत्पादित तत्व था। ये 1937 में कार्लो पेरियर एवं एमिलियो सीगल द्वारा अलग किया गया था। टेक्नीटियम का निर्माण ड्यूरेंस जैसे साइक्लोट्रॉन नामक एक युक्ति से त्वरित किया गया था, पर मॉलिबेडनम परमाणु की बमबारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, टीवी शो बिग बॉस 8 के मेजबान थे कौन थे? सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान। राइट आंसर है सलमान खान। बिग बॉस 8 की मेजबानी बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान द्वारा की गई थी। वे इनकी मेजबानी इसके तीसरे प्रदर्शन से कर रहे हैं। बिग बॉस बिग ब्रदर का भारतीय संस्करण है। बिग बॉस 8 के विजेता गौतम गुलाटी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? चार ऑप्शन है, फेसबुक, हाई फाइव, विकिपीडिया, ट्विटर। इसका सही आंसर है विकिपीडिया। विकिपीडिया विकिमीडिया फाउंडेशन द्वारा सहायता प्राप्त एक निःशुल्क वेब आधारित विश्वकोश है। ये मुक्त रूप से संपादनीय आदर्श सामग्री है। विकिपीडिया शब्द विकी सहयोगी वेबसाइट के सृजन के लिए एक तकनीकी एवं विश्वकोश से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि के आसपास उत्तर अनंत की घटना घटित होती है? चार ऑप्शन है, 21 जून, 22 जुलाई, 23 मई, 31 मार्च। तो इसका सही आंसर है 21 जून। अनंत वर्ष की वे तिथियां हैं जिनमें सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर सर्वाधिक दूरी पर होती है एवं मकर या कर्क रेखा के सीधे ऊपर पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में 21 या 22 जून को पृथ्वी अपनी कक्षा में इस प्रकार अव्यवस्थित होती है कि सूर्य कर्क रेखा के सीधे ऊपर होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं एवं दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं। इसे उत्तरी अनंत की घटना कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन सी समृद्ध फल नहीं है? चार ऑप्शन है, संतरा, कीवी, नींबू, सेब। और इसका राइट आंसर रहेगा सेब। सेबों में सामान्यतः विटामिन सी से अधिक मात्रा
सेबों में सामान्यतः विटामिन सी अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता। एक सेब अमूमन विटामिन सी के दैनिक आवश्यकता का मात्र 10% प्रदान करता है। यद्यपि एक कच्चा सेब जिसका वजन 138 ग्राम छिलका सहित है 6.3 मिलीग्राम विटामिन सी प्रदान करता है। प्रत्येक सेब विटामिन सी की समान मात्रा प्रदान नहीं करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी है? चार ऑप्शन है, निशानेबाजी, कुश्ती, तीरंदाजी, फुटबॉल। इसका राइट आंसर रहेगा 3, तीरंदाजी। दीपिका कुमारी एक प्रसिद्ध भारतीय महिला तीरंदाज है। इन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में महिला व्यक्तिगत प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। वर्तमान में वह विश्व क्रम की दूसरी तीरंदाज एवं पूर्व विश्व नंबर 1 तीरंदाज है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप समूह देश है? चार ऑप्शन है, लाओस, चिली, फिलीपींस, अर्जेंटीना। इसका राइट आंसर रहेगा फिलीपींस। फिलीपींस एक द्वीप समूह है जिसमें 7107 द्वीप स्थित हैं। ये द्वीप 3000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। 11 सबसे बड़े द्वीप कुल भूमि क्षेत्र के 94% भूभाग में विस्तृत है। फिलीपींस की 36289 किलोमीटर समुद्री सीमा रेखा इसे विश्व का 5वां सबसे लंबा समुद्र तटीय देश बनाता है। अगला क्वेश्चन है, काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन है, दलदली हिरन, जंगली गधा, एक सिंह वाला गेंडा, एशियाई सिंह। तो इसका राइट आंसर रहेगा काचीरंगा 3। इसका जो राइट आंसर है वो 3 है, एक सिंह वाला गेंडा। काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के जनपदों गोलाघाट एवं नगांव में स्थित है। इसमें विश्व के 2/3 एक श्रृंगी गेंडे हैं। इसे विश्व के आरक्षित क्षेत्रों में सघनतम बाघों का क्षेत्र होने का भी गौरव प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम स्वायत्त या संरक्षित प्रदेश कौन सा था? चार ऑप्शन है, पांडुचेरी, सिक्किम, दीयू, गोवा। और इसका जो राइट आंसर है, आंसर 2, सिक्किम। 1975 तक सिक्किम एक स्वतंत्र अधिराज्य था, फिर भी इसे भारतीय संरक्षण प्राप्त था। 1975 में एक जनमत संग्रह ने सिक्किम राजतंत्र का उन्मूलन कर दिया और यह क्षेत्र भारत के साथ मिल गया। वर्ष 1975 में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसी के साथ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, रन ऑफ कच्छ किस राज्य में स्थित है? बिहार, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये चार ऑप्शन है जिसका राइट आंसर है आंसर 3, गुजरात। कच्छ का रण पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अधिकांश भाग में एवं इसका पश्चिमी छोर भारत के गुजरात मुख्यतः कच्छ जनपद में स्थित एक लवणीय दलदली क्षेत्र है। ये दो भागों में विभाजित है, बड़ा कच्छ का रण एवं छोटा कच्छ का रण। गुजरात में कच्छ एक जनपद का नाम है जहाँ अवस्थित है।